गजब, वाह खाटी वाला भाई, मजा आ गया एकदम, है ना? हाथ में दिक्कत है। तो चलिए आज का जो राइड है वो स्टार्ट करते हैं, गणपति पप्पा मोरिया। और आज हम लोग जाने वाले हैं चिल्पी। तो चलिए फिर, और अभी मैं निकल रहा हूँ कवर्धा से, और इधर लेफ्ट साइड हम लोगों को जाना है। हाँ और ये है बस स्टैंड, और हम लोग सबसे पहले नाश्ता करेंगे। कवर्धा का पोहा जलेबी बहुत फेमस है, वहीं पे चलते हैं, पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद निकलेंगे हम लोग चिल्फी के लिए। मैं हूँ ये हर्ष भाई के साथ, और हर्ष भाई के साथ जा रहा हूँ मैं चिल्फी। 7:30 बज रहे हैं, और यहाँ से निकलते हैं, नाश्ता करते हैं। और ये सुबह का नज़ारा कवर्धा का, और इधर लेफ्ट चलेंगे हम लोग, ये यहीं पे हम लोग नाश्ता करेंगे, बना है कि नहीं क्या पता। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं हम लोग। नाश्ता बन गए, बन गया ना चाहिए, बहुत जल्दी खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो अभी हम लोग नाश्ता वास्ता कर लिए हैं, और अभी हम लोग निकल रहे हैं चिल्फी के लिए। तो ये है बिलासपुर रोड, बिलासपुर से हम लोग जाएंगे पौड़ी, पौड़ी से जाएंगे बोल्ला, बोल्ला के बाद जाएंगे चिल्फी। इधर से हम लोग, ये है मिनी माता चौक, इधर से हम लोगों को लेफ्ट जाना है अभी चिल्फी के लिए। और ये बिलासपुर रोड है, और ये वाली रोड है बाईपास जो कि रायपुर के लिए जाती है, और इधर से हम लोग चलेंगे। ये देखो क्या हो रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं, और यहाँ पे ब्रिज बन रहा है, ये यहाँ पे बड़ा वाला, और ये अभी बना है काम चलाने के लिए। और सुबह का नज़ारा है, और सुबह सुबह हम लोग अगर चिल्फी पहुँच जाते इससे पहले तो बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता, लेकिन अब 10-15 मिनट लगेगा हम लोगों को जाने में। अभी चलते हैं, और ये ट्रांसपोर्ट नगर है, और इधर से अगर आप लोग जाओगे तो इधर से आप लोग भोरमदेव भी जा सकते हो, और भोरमदेव से आप लोग चिल्फी भी जा सकते हो, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग कल भी गए थे चिल्फी, और कुछ कुछ एरिया था जो कवर किए थे, और कुछ बच गया था, इसलिए हम लोगों को दोबारा जाना पड़ रहा है। तो अभी अभी हम लोगों को पेट्रोल भी डलवाना है, तो देखते हैं कहीं पे पेट्रोल पंप में टैंक फुल करवाना है। तो है हम लोग डलवाएंगे पेट्रोल, तो अभी पेट्रोल डलवाते हैं हम लोग, उसके बाद चलते हैं। भाई फुल करना, अभी वो ट्रिप वन। तो अभी हम लोगों ने पेट्रोल डलवा लिया है, और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं पौड़ी, पौड़ी के बाद जाएंगे बोल्ला। तो चलिए पौड़ी में आप लोगों को दिखाता हूँ,
और ये गड्ढे भाई साहब, गड्ढे बड़े बड़े गड्ढे जी, छत्तीसगढ़ के गड्ढे। और अभी चलते हैं, इधर से हम लोग नहीं जाएंगे इस बार क्योंकि अभी रोड बना हुआ नहीं है, ये बाईपास रोड है वैसे। तो अभी हम लोग पौड़ी से निकलेंगे, ये देखो गड्ढे। यहाँ से लेफ्ट जाना है, लेफ्ट चलना है चिल्फी घाटी के लिए। और अभी चलते हैं हम लोग, लगभग हम लोग 15 किलोमीटर आ चुके हैं। ये देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा हनुमान मंदिर है, ये हनुमान मंदिर है। और ये पौड़ी है, सॉरी चिल्फी बोलता हूँ, पौड़ी है। ये देखो और अभी हम लोग चलते हैं बोल्ला, इसके बाद बोल्ला पड़ेगा, उसके बाद पड़ेगा चिल्फी। चलिए फिर आप लोग मजा लीजिए, दूरी पे है। इतना ज़्यादा खराब और अभी ये देखो रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि अभी यहाँ पे बना नहीं है ये। लेकिन अभी ये चालू हुआ है बनना, अभी कंप्लीट नहीं है ये। यहाँ पर भी टोल लगेगा बाद में, जो बाहर से गाड़ी आती है उसके लिए, और जो भी यहाँ से क्रॉस करेगी उसके लिए। और यहाँ भी एक पेट्रोल पंप है बोल्ला में, जैसा व्यू पॉइंट है और बहुत अच्छे अच्छे कॉटेज हैं, रिसॉर्ट है। और ये है बोल्ला, यही है, देख लीजिए आप लोग बोल्ला, बोल्ला शहर या फिर बोल्ला सिटी बोलो, छोटा सा सिटी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यही जितना भी आपको दिखाई दे रहे बस रास्ते 1 किलोमीटर तक सामने फैला हुआ है, अंदर में बस्ती है। ये देखो इस टाइप का है। और यहाँ पे भी दिवाली के कारण बहुत दुकान जो है सजी हुई है, फूल वगैरह माला वगैरह सब बेच रहे हैं। और अभी दिवाली है, दिवाली आने वाला है, इसलिए सब दुकान में को सजा कर रखे हैं, घर वर की सफाई कर रहे हैं। ये देखो फिलहाल ये तो नया है, लेकिन आपको यहाँ पे सेकेंड हैंड बाइक भी मिल जाएगी। ये देखिए मात्र अभी दिवाली में आप लोग 1,000 या फिर 10,000 रुपये दे के गाड़ी ले जा सकते हो बोल्डा में। व्यू पॉइंट भी देख सकते हो। और इधर आप लोग जब जाओगे तो इधर छीर बांधा टोला है और इधर छीर पानी बांध है, जो मैं आप लोगों को लेके चलूँगा अगली वीडियो में। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वेस्टर धान काटने वाला मशीन कुछ ही दूर बचा है चिल्फी घाटी। और रोड देख रहे हो भाई, एकदम मक्खन जैसा रोड है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, पूरा गजब का व्यू, तबाही। मिलता हूँ सीधा आपको चिल्फी घाटी में। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं घाट में, और ये देख सकते हो घाट प्रारंभ हो गया है। यहाँ पे बोट देख सकते हो, और मैं आप लोगों को चलिए आज पूरा घाट दिखाता हूँ। और हम लोग बीच में ड्रोन भी उड़ाएंगे, तो उसका फुटेज भी हो सके तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो ये देखो पूरा, ये सुबह सुबह का नज़ारा है, और ये ट्रक सामने से जा रही है। और इस घाट में थोड़ा केयरफुली चलाना चाहिए बाइक को, और अगर आप लोग ओवरटेक करते हैं तो मोड़ में तो बिल्कुल भी ओवरटेक ना करिए, क्योंकि कभी भी गाड़ी, कोई भी गाड़ी आ सकती है इसलिए। तो अगर आप लोगों को ओवरटेक करना है तो देख के ओवरटेक करना है। और ये देख सकते हो मोड़ खतरनाक टाइप का। और इधर यार बहुत ठंडा लग रहा है, वैसे 8 बज गए हैं लगभग, 8 से 9 बज गए हैं, फिर भी इधर ठंडा अभी तक लग रहा है। और हम लोग जब सिटी में थे तो वहाँ पे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, और इधर
अभी भी ठंड लग रही है, मतलब समझ सकते हो, और ठंडी में इधर बर्फ भी जमता है। आप अगर यहाँ स्टे करते हो चिल्फी में, तो आप लोग ज़रूर से यहाँ का सनराइज एंड सनसेट देखना चाहिए आपको, बहुत ही खूबसूरत रहता है। कभी मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, सनराइज और सनसेट। ये देखिए कितने ज़्यादा मोर है, और ये जो है वो सेम केसकाल घाट जैसा है। अगर आप लोग केसकाल घाट गए होंगे तो आप लोगों को पता होगा केसकाल घाट कैसा है। केसकाल घाट में क्या है कि ये जो दीवार दिख रहे हैं उसी में जो बस्तर का वो है सब, और इधर भी बहुत ज़्यादा मोड़ है खतरनाक वाला। देखो कई गाड़ी जो है चलती चलती बंद हो जाती है या तो फिर बिगड़ जाए, ख़राब हो जाती है। और ये देख सकते हो ये ऊपर में उड़ाएंगे ना हम लोग। यहाँ पे हम लोग ड्रोन उड़ाने वाले हैं, यहाँ से हम लोग ड्रोन उड़ाएंगे। यहीं पे थोड़ा देर रुकते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। और उधर सरोधा दादर दिख रहा है, ये देखो। हाँ सरोधा दादर यहीं, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे हर्ष भैया जो है ड्रोन उड़ा रहे हैं, और अभी हम लोग आए हैं इधर। ये देखो ये है फर्स्ट वाला एंड सेकेंड, और उसके नीचे और एक है थर्ड। तो ये देखिए आप लोग यहाँ का पूरा व्यू कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और बहुत ही बड़ी बड़ी गाड़ी यहाँ पे चल रहे हैं, और कुछ हमारे सब्सक्राइबर भाई मिले हुए हैं। ये देखो ये हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, और यहाँ से इधर जाएंगे हम लोग घाट। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को लेके चलूँगा, पहले आप थोड़ा सा यहाँ का व्यू जो है इंजॉय कीजिए आप लोग। और हर भैया जो है अभी ड्रोन उड़ा रहे हैं, ड्रोन दिखाई नहीं दे रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोगों को ड्रोन और दिखाएँगे। और यहाँ पर देखो कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी चल रही है। तो चलिए वीडियो जो है कंटिन्यू करेंगे। तो अभी आप लोगों ने देखा यहाँ का व्यू, और अभी हम लोग चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं पूरा घाट। वीडियो में बने रहिए, चलिए फिर शुरू करते हैं। तबाही सीन आ रहा है भाई, तबाही वाला। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरा ये फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग है, दो तीन बार बोल चुका हूँ, एक ही डायलॉग बार बार नहीं बोलता मैं, लेकिन बोल दिया मैं। बहुत प्यारा लग रहा है, इससे राइड करने में बहुत मज़ा आ रही है घाट में। पंचर। अरे यार एक करवा, एक नंबर भाई, गजब गजब। तबाही वाला गाड़ी देखने को मिला है भाई, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ। वाह 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 जबरदस्त। थोड़ा सा फोटो ले लूँ सर, थोड़ा सा। हम लोग मोटो व्लॉग करते हैं, तो अभी हम लोग भी हिमाचल करके आए हुए हैं, गाड़ी अच्छा लग रहा है। तबाही गजब, वाह खाटी वाला भाई, मजा आ गया एकदम, है ना। गाड़ी है
हाँ में देखा जाए गाड़ी देख, हाँ दिल खुश हो गया गाड़ी देख के देखे, हाँ मजा। नहीं तो हिमाचल ये यूपी वगैरह होते हुए आ रहे हैं ना, एमपी यूपी ऐसे ऐसे घूमते हुए आ रहे होंगे यूपी एमपी वगैरह। और आप लोगों को गाड़ी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मैंने फर्स्ट बार देखा वैसा गाड़ी, और पुराना बहुत पुराना गाड़ी है, लेकिन नहीं लग रहा है कि बहुत पुराना है, साला एकदम नया है, मस्त मज़ा आ गया। बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखे हुए हैं गाड़ी को। We'll be right back.